changes that we'll go with the public, that these are the changes has happened under the leadership of our Bommai ji and previously Yedurappa ji. तो उसको लेके बताएंगे कि यह चेंजेज हुआ है, फर्क साफ है। के बारे में इधर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन वह हमने देखा नहीं, लेकिन जितना मैं जरूर कर सकता हूँ, सरकार ईमानदार है, हमारे मुख्यमंत्री पे एक रुपए का आरोप नहीं लगा सकते। आवर चीफ मिनिस्टर इज ऑनेस्ट, सब जानते हैं कि बुमई जी बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर कहीं नीचे लेवल पर कुछ होगा तो जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे, सरकार उस पर जरूर कार्रवाई करेगी, लेकिन इस प्रकार से है नहीं, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। कैबिनेट मिनिस्टर मुरुगेश निराणी कहा था इन फ्रंट ऑफ सीएम, इन फ्यूचर डे सीएम विल बी, उनका कहना कुछ और था, मीडिया में तोड़ मरोड़ के बात आई, घुमा के बात आई। आई स्पोकन टू द मुरुगेश निराणी आल्सो, ही हैज नॉट सेड लाइक दिस एंड सम ट्विस्ट इन द न्यूज एंड न्यूज़पेपर हैज कम। सो अपनी अगली सरकार बीजेपी की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 150 सीट से लेकर के अधिक जीतेगी, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई किसी को दुविधा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको देखो, ध्यान से देखिए कि पिछले जितने भी एमएलए के बाई इलेक्शंस हुआ है, सबसे अधिक एमएलए के बाई इलेक्शंस में वन साइडेड अगर विक्ट्री हुई तो बीजेपी की विक्ट्री हुई। जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो दिस टाइम यू हैव गॉट मोर देन 48,000 ग्राम पंचायत के चुनाव जीते, पहले 25,000 के करीब जीते। जब उसके बाद जो लोकल बॉडीज के जो चुनाव हुए अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, वहाँ बीजेपी जीती। उसके साथ साथ एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें भी पहले में 6 सीटें थी, वी वर हैविंग जस्ट 6 सीट, अभी हमको जीत करके 11 सीट जीते हैं। तो बीजेपी का ग्राफ तो बढ़ रहा है, कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। नहीं, ही इज गेटिंग द सपोर्ट, ही इज अ लीडर ऑफ द पार्टी, एवरीवन इज सपोर्टिंग, दिस इज द दे शुड एम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बताने से क्या होता, जो आज बता रहे उसको आप नोट करिए ना, बाद में चेंज हुआ ना, बाद में येडियुरप्पा तो और चेंज नहीं हुआ, उन्होंने खुद ही जा करके उन्होंने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी से मिल करके येडियुरप्पा जी ने कहा कि अब किसी और को मौका देना चाहिए, और येडियुरप्पा जी टॉलेस्ट लीडर, ही द टॉलेस्ट लीडर अमंग्स ऑल द पार्टी इन कर्नाटका, तो हम उनका हमको गर्व है। क्या क्या निर्णय होते हैं? निर्णय कल पता चलेगा, निर्णय होगा कि जो कांग्रेस में एक डिवाइडेड हाउस, कांग्रेस इज डिवाइडेड हाउस, कांग्रेस के दोनों डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के फॉलोअर को देखिए, डीके शिवकुमार के फॉलोअर कहते हैं कि डीके शिवकुमार को सीएम बनना है, सिद्धरमैया के फॉलोअर कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, दोनों की आपस में लड़ाई बढ़ गई है और चुनाव आते आते तो बहुत अधिक दे विल फाइट विद ईच अदर, तो कांग्रेस का कहीं स्कोप नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उनके सेंट्रल लीडरशिप टोटल फेल हो चुका है, राहुल गांधी जी फेल हो चुके, प्रियंका गांधी फेल हो चुकी है, तो उनको कहीं से सेंट्रल से इंस्पायरेशन नहीं मिलने वाला है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी जब कार्यकर्ताओं को, जब जनता को संबोधित करते हैं तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ता है, और जब राहुल गांधी जब जब बोलते हैं कांग्रेस का वोट गिरता है, और उसके साथ साथ कांग्रेस के लोग जमीन पे नहीं है, वह केवल आरोप लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, कोई कांग्रेस का बिल्कुल विश्वास नहीं है। और अभी भी जनता भूली नहीं है कि जब सिद्धरमैया जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से अपीजमेंट का काम करते थे, तुष्टीकरण का काम करना, करप्शन का, एक एक करके कास्ट को एक दूसरे से डिवीजन करने का काम ये सिद्धरमैया जी के समय हुआ। हम लोग भी जनता के बीच में जाएंगे और यह बताएंगे कि 5 साल पहले जब सिद्धरमैया की सरकार थी तो स्थिति क्या थी, अभी स्थिति क्या है, दोनों में व्हाट इज द चेंजेज, दैट वील गो विद द पब्लिक, दैट दीज आर द अभी। हाँ सर, अभी पार्टी का संगठन, अभी पार्टी का संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है और सरकार भी अच्छा काम कर रही है, बोथ पार्टी एंड गवर्नमेंट दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कर्नाटका पीपल। कल हमारी स्टेट सिक्योरिटी मीटिंग है, कल परसों, पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को
इस कार्यक्रम में आना था, बैठक में भाग लेना था, और उसके बाद उनको बहुत बड़े कार्यक्रम में जिसमें सभी शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर के ऊपर के कार्यकर्ताओं को उनको संबोधित करना था, और करीब 25 से 30 हज़ार लोग उनको स्वागत भी करते रास्ते में। लेकिन सरकार की गाइडलाइन आ गई कोविड को खतरा को देखते हुए कि नॉट मोर देन 300 पीपल कैन गैदर एट अ प्लेस, इसके कारण 300 से लोग अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम आगे के लिए पोस्टपोन हो गया, सो ही इज़ नॉट कमिंग टुमारो इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट गाइडलाइन। आगे आएंगे और अवश्य रूप से कार्यकर्ताओं के साथ बड़े कार्यक्रम में उनका उद्बोधन भी होगा और पब्लिक रैली में भी अपना वह मार्गदर्शन देंगे और उनका उद्बोधन होगा। इसलिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम थोड़ा पोस्टपोन हो गया। ये मैं आपको बता रहा था, 2 दिन पहले ही गाइडलाइन आई है और उस गाइडलाइन में 300 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार के नियम है, कानून है, उसको पालन करते हैं। हमको मालूम है कि कोविड का खतरा भी टला नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्नाटका में, जो बोमई जी के नेतृत्व में लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है। पूरे देश भर में 135 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है, इतना डोजेस। अभी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं कि 15 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए, फ्री में वैक्सीनेशन के लिए अनुमति दे दिया है। इसे प्रधानमंत्री जी का वैक्सीनेशन के लिए, इसके लिए भी अभिनंदन करते हैं। और कर्नाटक में भी वैक्सीनेशन होगा। कांग्रेस के लोगों ने कुछ कहा था कि भाई ये पार्टी के कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं। उनको खुद ही सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी डिसिप्लिन पार्टी जो लोगों की सेवा के लिए काम करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा कि सरकार का ऑर्डर आ गया है, इसलिए हम अभी अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करते हैं, जेपी नड्डा जी ने कहा। जबकि यहाँ के कार्यकर्ता सब चाह रहे थे कि जेपी नड्डा जी आए, कम से कम 50 किलोमीटर तक स्वागत का उनका तैयारी है, 50 किलोमीटर है पूरा स्वागत की तैयारी थी, होर्डिंग पोस्टर बैनर था, लेकिन कोविड के कारण अभी पोस्टपोन हो गया। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। कार्यकारिणी होगी, पूरी कार्यकारिणी होगी, कार्यकारिणी में पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस होगा, आगे के रोड मैप के लिए डिस्कस करेंगे, हमारे फोर्थ कमिंग प्रोग्राम के डिस्कस करेंगे, अभी तक जो काम किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्यकारिणी 2 दिन की पूरी होगी, पदाधिकारी बैठक पूरी होगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे किसी कार्यक्रम में आएंगे, कल वाले कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं जेपी नड्डा जी। सर 13 महीने, दिस इज द ओनली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इमेजिनरी क्वेश्चन। द सीएम इज डूइंग वंडरफुल वर्क, ही इज वेरी सीजन, वेरी सिंपल, वेरी हम्बल एंड ऑनेस्ट पर्सन। पहले ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग यू नो फॉर द वेलफेयर ऑफ द कर्नाटका पीपल। आई कैन टेल यू ओनली वन थिंग, दैट ही इज आवर सीएम, ही विल रिमेन आवर सीएम, विल कंटेस्ट द इलेक्शन अंडर हिज लीडरशिप। नमस्ते जी, यार